नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सबको पता है कि आपसे मैं इस तरह की वीडियो पहले भी शेयर कर चुका हूँ एक दो। आप सबका बहुत प्यारा बहुत अच्छा रिस्पांस आया है कि आप सबके डॉग उस तरीके को अपना के मिले भी हैं, और ये भी वीडियो खोया हुआ डॉग कैसे ढूंढे इसी के ऊपर समर्पित है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए जो बच्चे फीडिंग जोन में होते हैं या किसी कारणवश अपने फीडिंग जोन को छोड़ के इधर उधर हो जाते हैं, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उनको ढूंढने का सही समय, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, सिर्फ रात होती है, क्योंकि रात को ही जो डॉग्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अपने अपने आप जब उसको ढूंढने जाओगे, आवाज़ मारोगे तो दूर दूर तक जाएगी आपकी आवाज़, और ट्रैफिक नहीं होता रात के टाइम। तो इसलिए हमेशा रात को आप ध्यान रखिएगा, 12 बजे से लेकर सुबह 5-4 बजे तक का समय है जब तक ट्रैफिक नहीं चलता, अंधेरा होता है, उस टाइम आप डॉग ढूंढिए तो ज़्यादा डॉग मिलेंगे। अब मैं आपसे सबसे एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक बच्ची हमारी गायब हो गई थी, तो उसको हमने कैसे ढूंढा, और ये कह लीजिए उसने मेरे को ढूंढ लिया, मैंने उसको क्या ढूंढा। देखिए दोस्तों, एक बच्ची थी जो कि मैं किसी समय में अपना रघुवरपुरा के पास उसको फीड कराता था, उसको और उसकी माँ को। अब वो बेचारी छोटी थी, और जब मैं आता था मेरे स्कूटी का हॉर्न सुन के वो बेचारे दोनों भगते भगते आते थे और अपना खाना खा के चले जाते थे। अब मैं एक दिन जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि उसकी माँ तो आई लेकिन वो बच्ची नहीं आई। अब मैं बड़ा परेशान। अब मैंने इधर उधर बहुत जगह पर उसको रात को अपना हॉर्न बजा बजा के जो है वो सारा सर्च करा, लेकिन वो बच्ची मेरे को नहीं मिली दोस्तों। अब जी मैंने एक दो दोस्तों की मदद भी ली, मैंने हम तीन जने मिल के उस एरिया में पूरे में आसपास एरिया में सब जगह ढूंढते रहे, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हुई। अब हमने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, हम लगे रहे और दोस्तों हम एक महीने तक लगभग लगभग ये कोशिश करते रहे, एक घंटा चाहे रात को करते थे या आधा घंटा, लेकिन जाते ज़रूर थे, कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक एरिया पड़ता है, पुलिया पड़ती है नाले की, वहाँ पर जब हम ये चीज़ करते हैं, मैं उधर से अपना वापस आ रहा था अपना गांधीनगर की तरफ से, तो पुलिया जैसे ही मैंने पार करी तो मैंने वहाँ पे हॉर्न बजाया, और मैं क्या देखता हूँ एक डॉगी बेचारा छोटा सा वो भगता 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 मेरे पास आ गया। अब मैंने देखा कि भाई वो बच्ची तो ये बेचारी वही है। मेरे दोस्त ने कहा भाई शकुल ये तो वही मिल गई। मैंने कहा वाह भाई कमाल हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये चीज़ें, मतलब इसको आप चमत्कार कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, कि वो रात के समय हॉर्न बजाने की आदत ने उस बच्ची को कैसे, मतलब या उस किसी भी तरह की आवाज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉर्न ही बजाएं, आप अपनी आवाज़ की आदत डाल सकते हो, सीटी विसल जैसे यूँ बजाने की उसकी आदत डाल सकते हो। तो ये बच्चे मतलब मिल जाते हैं रात के टाइम ही मिलेंगे आपको, और वो बच्ची हमें प्राप्त हुई और हमने उसको जाके अपने एरिया में रखा, उसको फीड करा अच्छे से अपनी माँ के साथ, खाना खिलाया, बड़ी खुश थी बच्ची और बड़ा मतलब आनंद में वो बेचारी थैंक यू बोल रही पूँछ हिला हिला के। तो हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई हमारी एक महीने की मेहनत दोस्तों सफल हुई। और मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि जज्बे से लगे रहो, भगवान से प्रार्थना करो, वाहेगुरु जी से और अल्लाह जी से, जो भी मतलब आप जिसको भी मानते हो उन सबसे प्रार्थना करो, लगे रहो, कोशिश करते रहो, आपके बच्चे आपको ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा 100% आपको प्रॉमिस है, अगर आप जज्बे से ढूंढोगे तो। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिनके बच्चे खो गए उनको बड़ी हिम्मत मिलेगी इस वीडियो से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह की वीडियोज़ और हिम्मत बढ़ाने वाली और जज्बे वाली वीडियोज़ आपको डालता रहूँगा। थैंक्स दोस्तों, स्टे कनेक्टेड।